हाँ हेलो, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका स्वागत करता हूँ टली चैट के ऊपर। एंकर यश आ चुका है आपको एंटरटेनमेंट का एक बढ़िया सा डोज देने के लिए। दोस्तों आज की जो कहानी है वो थोड़ी ऐसे स्वीट एंड सॉर टाइप की कहानी है दोस्तों, क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ बिग बॉस 17 की फिलहाल सबसे ज्यादा अटेंशन लेने वाली गर्ल यानी कि अंकिता लोखंडे के बारे में, जो पहले सुशांत सिंह राजपूत के साथ रिलेशनशिप में थी। क्यों ये कनेक्शन मैंने जोड़ा है यहाँ पर बताता हूँ मैं आपको, लेकिन उससे पहले टैप ऑन द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल नाउ एवरीवन। कहानी की शुरुआत को जैसे करते हैं कि यार अंकिता लोखंडे और सुशांत सिंह राजपूत ने अपने करियर की शुरुआत कहीं ना कहीं पवित्र रिश्ता के साथ की थी, और वहीं उसी के सेट के ऊपर दोनों ने एक दूसरे को देखा, लव एट फर्स्ट साइट जैसा कुछ मामला हुआ और दोनों ने एक साथ रहने का फैसला किया। दोनों करीबन 7 साल तक रिलेशनशिप में थे। सुशांत सिंह राजपूत ने झलक दिखला था सीजन 2 जैसे नेशनल टेलीविजन शो के ऊपर। अंकिता लोखंडे को घुटनों के पर बैठ के उन्होंने प्रपोज किया था, वहां पर उन्होंने बता दिया था कि आप इतनी बेहद खूबसूरत हो कि आपके लिए 7 खून माफ है और मैं आपको 7 जन्म तक साथ रखना चाहता हूं, क्या आपको ये मंजूर है। और तभी प्रियंका चोपड़ा और मलाइका अरोरा खान कहते हैं कि सीरियसली आपने जस्ट अभी अंकिता लोखंडे को शादी के लिए प्रपोज किया। और इसके आंसर में सुशांत सिंह राजपूत कहते हैं यस, और इसी का आंसर अंकिता लोखंडे भी करती है कि मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूं, आई लव यू टू गुगू, ऐसा बहुत ही प्यारा सा नाम उन्होंने उनको दिया हुआ था। लेकिन आपको बता दें कि 2016 में ये जो कपल था ये शादी करने वाला था, लेकिन सडनली उसी साल उनका ब्रेकअप हो गया था। और इसी बात को अंकिता लोखंडे बिग बॉस 17 के ऊपर रिवील कर रही है कि कैसे अंकिता लोखंडे और सुशांत सिंह राजपूत एक दूसरे से अलग हुए। आपको बता दें कि अंकिता लोखंडे ने क्लियर स्टेटमेंट दे दिया कि एक रात पता नहीं सुशांत सिंह राजपूत डायरेक्टली गायब हो गए और लेटर ऑन उन्होंने बॉलीवुड में चांस मारा और वहीं उन्हें केदारनाथ, अमेज़न, द अनटोल्ड स्टोरी जैसी मूवीज दिखी और ब्रेकअप कर लिया मेरे साथ, और मुझे इवन ब्रेकअप का रीजन बताना भी उन्होंने पता नहीं वैलिड और लेजिट नहीं समझा, सडनली गायब हो गए। उनके बहुत सारे लोगों ने कान भी भरे होंगे ऐसा मुझे लगता है, लेकिन जब हम शादी करने वाले थे तभी ब्रेकअप हो गया, इस बात का उन्होंने खुलासा किया था। एंड लेटर ऑन तारीख 14 जून 2020 जब ऐसी खबर आई कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर लिया। दोस्तों तो ये कहानी थी आज के हमारे इस वीडियो की। अगर आपको पसंद आया तो करिए लाइक, करिए शेयर, करिए सब्सक्राइब टेली चार्ट को, जहां पर मैं मिलूंगा आपको एंकर यश।